हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से इस नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज दोस्तों एक और आईपीओ लेकर के आपके लिए लेकर के आया हूँ। इसके बारे में आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। अब लग रहा है धीरे धीरे आईपीओ आने शुरू हो गए, तो जिस तरीके से कल आईपीओ का अलॉटमेंट हुआ, काफ़ी सारे लोगों को अलॉटमेंट इसका मिला है। तो एक दूसरा आईपीओ जो है ग्लोबल सरफेस का, ग्लोबल सरफेस ये आईपीओ आ रहा है दोस्तों, 13 तारीख को आ रहा है। तो इसके ऊपर हम डिटेल में बात करने वाले, क्या आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, फिर से अवॉइड करना चाहिए, और इसका भी लेटेस्ट जीएमपी कितना चल रहा है, अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते तो आपको कितना बेनिफिट मिल सकता है, लिस्टिंग गेन कितना मिल सकता है, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं या फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं, आपको क्या करना चाहिए, पूरे आपके सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में मिलने वाले। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहना। किसी भी आईपीओ किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले कंपनी के बारे में जरूर से आपको जानकारी दोस्तों लेनी चाहिए, उसके बाद ही आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो हम इस कंपनी के बारे में थोड़ी सी जानकारियाँ प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। तो आप देखेंगे ग्लोबल सरफेस नेचुरल स्टोन के प्रोसेसिंग और इंजीनियर क्वार्टर्स के प्रोडक्शन का काम करती है। ये नेचुरल स्टोन जटिल जियोलॉजिकल प्रोसेस को तैयार होते हैं। कंपनी का वित्तीय प्रदर्शन निराशाजनक रहा है, जो इसका लास्ट क्वार्टर है कुछ खास अच्छा नहीं रहा है। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, इसका मेन काम है नेचुरल स्टोन के प्रोसेस और इंजीनियर क्वार्टर्स के प्रोडक्शन का काम करती है कंपनी। इस अवधि में नेट प्रॉफिट देखेंगे आप पिछले साल के मुकाबले थोड़ा सा कम आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो इसका एक छोटा सा नेगेटिव पॉइंट है दोस्तों, इसके साथ साथ मैं यहाँ पर आपको इसके लेटेस्ट जीएमपी पर थोड़ी सी नज़र डालना चाहूँगा, फोकस करना चाहूँगा। तो आप देखेंगे ग्लोबल सरफेस का जीएमपी 50 रुपये के आसपास चल रहा है। इसकी प्राइस जो मुझे बहुत अच्छी लगी, 140 रुपये के आसपास की प्राइस है फ्रेंड्स यहाँ पर, और 36% के आसपास का लिस्टिंग गेन आपको मिलता हुआ दिख रहा है, जो कि कल 40% के आसपास था, लेकिन आज ये 36% के आसपास हुआ, क्योंकि बाज़ार में थोड़ा सा करेक्शन आया, इसके कारण इसके जीएमपी पर असर हुआ। हालांकि ये जो दिव्यी टायर ट्रांसफ़र सिस्टम है, इसके भी यहाँ पर लिस्टिंग गेन पर असर हुआ है। देख लीजिए 8% रह गया, जो कि 12% था। तो ये धीरे धीरे कहीं ना कहीं आपको 40% या 45% के आसपास जाता हुआ देखने के लिए मिल सकता है। अभी आपके मन में सवाल आता है, अगर हम एक लोट के लिए अप्लाई करें तो हमें कितने शेयर्स मिलने वाले, तो मैं आपको बताऊँ, इसका जो लोट है इसके अंदर 100 शेयर्स हैं फ्रेंड्स, और अभी इसका जीएमपी देखेंगे तो 50 रुपीज़ के आसपास चल रहा है। तो 100/50 अगर आप करते हैं एक लोट के लिए, अगर आपने यहाँ पर अप्लाई किया है, तो आपको कम से कम यहाँ पर 5,000 रुपये के आसपास का लिस्टिंग गेन आपको मिलता हुआ दिख रहा है, जो कि लिस्टिंग गेन के लिहाज से काफ़ी बढ़िया। अगर काफ़ी सारे लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन लेने के लिए आईपीओ में अप्लाई करते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा आईपीओ साबित होने वाला ही है, क्योंकि यहाँ से अच्छा खासा लिस्टिंग गेन 5,000 या 6,000 रुपये के आसपास का लिस्टिंग गेन आपको आसानी से प्राप्त हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स पर नज़र डाल लेते हैं, इसके बाद में आपको यहाँ पर अप्लाई करना है अवॉइड, उसका डिसीजन आप बड़ी आसानी के साथ ले सकेंगे। तो आप देखेंगे आईपीओ ओपन कब हो रहा है, तो आप यहाँ पर इसकी डेट अगर देखते हैं तो 13 मार्च को आईपीओ ओपन होने वाला है, 15 तारीख को एक क्लोज हो जाएगा। आईपीओ की साइज़ देखेंगे काफ़ी छोटा आपको देखने के लिए मिल जाएगा, सिर्फ 155 करोड़ रुपए के आसपास का आईपीओ। फ्रेश इश्यू यहाँ पर इसकी संख्या देख सकते हैं, और ऑफर फॉर सेल की संख्या भी आप देख सकते हैं। फेस वैल्यू 10 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर के आसपास है। प्राइस बैंड जो इसका 133 से 140 रुपये के आसपास है। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि आप किसी भी आईपीओ में अप्लाई करो और आपको अलॉट हो जाए, क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं कि आईपीओ में अप्लाई तो करते लेकिन हमें मिलता नहीं अलॉटमेंट, तो आप हमेशा इस वाले प्राइस पर अप्लाई करते हैं इसलिए आपको नहीं मिलता। फ्रेंड्स, आपको इस वाले प्राइस पर अप्लाई करना है, कट ऑफ प्राइस इसको बोलते हैं, इस पर आप कट ऑफ प्राइस पर अप्लाई करेंगे तो आपको आईपीओ मिलने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। वहीं पर रिटेल कैटेगरी की बात करेंगे हम, ये देख लीजिए दोनों जगह पर लिस्टिंग होगा। रिटेल कोटा इसका अगर देखते हैं आप 35% के आसपास है। क्यूआईबी कोटा देखेंगे 50% के आसपास है। एनआईए कोटा देखेंगे 15% के आसपास। तो रिटेल कोटा यहाँ पर थोड़ा सा ठीक ठाक आपको देखने को मिला, जो कि फर्स्ट आईपीओ दिव्यी टायर ट्रांसफर सिस्टम का आईपीओ था, उसमें सिर्फ और सिर्फ 10% के आसपास था, जो कि यहाँ 35% के आसपास है, जिससे चांसेस बढ़ जाते हैं आईपीओ अलॉट होने के। ठीक है, इसके साथ साथ कुछ और इंपॉर्टेंट डिटेल्स पर नजर डालेंगे। अभी आपके मन में सवाल आ रहा है, एक लोट के लिए अप्लाई करेंगे तो हमारा पैसा कितना लगेगा। 14,000 के आसपास आपका इन्वेस्टमेंट है। एक लोट के अंदर आपको 100 शेयर्स मिलेंगे। अगर मिनिमम आपको लेना तो एक लोट ले सकते हैं, मैक्सिमम अगर आप लेना चाहते हैं रिटेलर मैक्सिमम 14 लोट ले सकते हैं। 1400 शेयर अलॉट होंगे, 196,000 रुपये के आसपास आपका अमाउंट लगेगा। HNI कैटेगरी के अंदर देखेंगे तो मिनिमम 15 लोट है और मैक्सिमम 72 शेयर्स की संख्या आप देख सकते हैं। अमाउंट देख सकते हैं 210,000 से 108,000 के आसपास का अमाउंट आपका लग जाएगा। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स और देखेंगे अलॉटमेंट के साथ में। तो प्राइस बैंड अनाउंसमेंट आप देखेंगे 6 तारीख को हुआ था। एंकर इन्वेस्टर जो है उसके अलॉटमेंट 10 तारीख को है। आईपीओ ओपन होने की रिटेलर के डेट है 13 तारीख को। ठीक है, अगर आप रिटेलर्स हैं आप इसमें अप्लाई करना चाहते हो 13 तारीख को आप सुबह में 10 बजे के बाद इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 15 तारीख तक आप अप्लाई कर सकते हैं, 15 तारीख तक ये ओपन रहने वाला है। इसकी जो बेसिस अलॉटमेंट है ये आपको 20 तारीख को मिलेगी। अगर आपको आईपीओ नहीं मिलता तो जो इसका रिफंड है आपका अमाउंट, वो 21 तारीख को रिफंड कर दिया जाएगा। और अगर आपको आईपीओ मिल जाता है
तो 22 तारीख को जो भी आपका डीमैट अकाउंट है वहाँ पर इसके शेयर्स क्रेडिट कर दिए जाएंगे, वहाँ पर इसके शेयर्स आपको दिखने लगेंगे और फाइनली 23 मार्च को इसकी लिस्टिंग हो जाएगी शेयर बाजार के अंदर। आप इसमें खरीद कर सकते हैं, बेच सकते हैं, ठीक है। इसके साथ इसके थोड़े से फाइनेंशियल पर हम नज़र डालेंगे। जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया, इसका लास्ट जो क्वार्टर है थोड़ा सा ख़राब गया है, तो आप यहाँ देखेंगे 2020 से लेकर के 2023 सिक्स मंथ तक का डिटेल्स यहाँ पर इन्होंने दे रखी है। उसका रेवेन्यू 2020 में 166 करोड़ था, जो कि बढ़ के 179 करोड़ हो गया, फिर 198 करोड़ हो गया, लेकिन अभी देख लेंगे 99 करोड़ के आसपास है। एक्सपेंस देखेंगे तो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, इसके लास्ट क्वार्टर में थोड़े से कम है। पेड देखेंगे तो धीरे धीरे आपको बढ़ते हुए देखने को मिल जाएंगे। तो अब दोस्तों सवाल ये आता है कि आप यहाँ लॉन्ग टर्म के लिए इसमें इन्वेस्ट करने जा रहे हैं या फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है, ये आपकी अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताएं। लेकिन काफ़ी सारे लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करते हैं, तो लिस्टिंग गेन के हिसाब से IPO काफ़ी अच्छा है। और इस IPO से रिलेटेड कोई भी लेटेस्ट न्यूज़ आती है तो सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर देखने के लिए मिल जाएगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना फ्रेंड्स।